गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अपन ने हिंदी में स्वर व्यंजन और बिना मात्रा के शब्द, कौन से बिना मात्रा के शब्द? दो वर्णों के, तीन वर्णों के और चार वर्णों के बिना मात्रा के शब्द पढ़े थे। अब अपन आप मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। मात्रा के शब्द पढ़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को बारकड़ी सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? बा नहीं होती, आप सबको पता है। फिर उसके बाद में आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ठीक है, छोटी ए, फिर बड़े ए की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अं की मात्रा, फिर अर की मात्रा। बड़े अंगों का
ए की मात्रा के, आई की मात्रा थ्री, ओ की मात्रा फोर, तो आप जैसे आगे मात्रा आपको आएगी और की मात्रा आएगी तो आप पढ़ पाओगे ना।
जो बालक है वो सीख लिया देखो छ के आठवां डंडा चार छ की एक बार ची ची के बड़े छ के बड़े की बार ची छोटा वो टू बड़ा वो टू छ के एक बार ची चाहिए आगे की लाइन वो अपन सीखेंगे।